अमिताभ बच्चन को हुआ कोरोना, मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की जानकारी दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है, परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा ले। उधर अस्पताल प्रशासन से बातचीत में आज तक के सूत्रों ने बताया है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक है। बता दें कि बिग बी के पास वर्तमान में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्हें पूरे करने हैं। अमिताभ की आने वाली फिल्मों की बात करें तो इनमें चेहरे, ब्रह्मास्त्र, बटरफ्लाई, झुंड और उयांधा मनिथन शामिल हैं। बता दें कि फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के शूट के दौरान भी बिग बी की तबीयत बिगड़ गई थी। इस सब के अलावा अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग भी कर रहे थे। वह शो के प्रोमो वीडियो शूट कर चुके थे और एपिसोड की शूटिंग की तैयारियां चल रही थी। एक्टर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर मिलते ही पूरे बॉलीवुड और राजनीतिक जगत में चिंता का माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कहा, महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला। ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करे और पुनः उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जाएं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक्ट्रेस रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा, आपके जल्द ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना और कामनाएं।